मैंने आपको पहले ही कहा था, ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ध्यान भटकाने के लिए और बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण वो फरमान आया था जिसमें हर व्यक्ति को अपने ठेले के, अपने दुकान के आगे, अपने ढाबे के आगे अपना नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों किया मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर दोहरा नहीं हूँ। ध्यान भटकाना था क्योंकि उनको पता है कि उनकी कुर्सी डावाडोल है, उनको हटाने की तैयारी में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है, और इसी कारण से अपने आप को एक उसी मॉडल पे, वो जो हिंदुइज्म का नहीं, हिंदुत्व वाले मॉडल पर अपने आप को स्थापित करने के लिए लोगों का, मतलब जो भी अलग अलग धड़े हैं वो सब योगी जी का समर्थन करते, इस कारण से योगी आदित्यनाथ जी ने इस फरमान को जारी किया। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को क्या आवश्यकता पड़ी थी इसे करने की, और फिर मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मैंने सुना है कि इसको किया गया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि ये ध्यान भटकाना था, लेकिन फिर भी आज ये बात साफ हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हियरिंग पे आया, और तब ढूंढा गया कि केंद्रीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई वकील वहाँ मौजूद नहीं है। अब उन्हें जवाब देना है, इसलिए स्टे लग गया है इस ऑर्डर पर, गवर्नमेंट ऑर्डर जो पास सबसे पहले इशू किया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। मगर ये बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी उनको हटाना चाहते हैं, मगर साथ ही अमित शाह जी भी तो उनको हटाना चाहते हैं, और उसी से ध्यान भटकाने के लिए इसको किया गया। लेकिन मतलब पूरा का पूरा पासा कैसे पलट गया, सब आकर उनको डिफेंड करने लग गए कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया वो सही है, वो जो बिजनेस वाले बाबा जी हैं हरिद्वार के, रामदेव जी, उन्होंने भी इसमें कूद कूद के बताया, प्रवक्तागण भी बता रहे, क्योंकि डायरेक्शन तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि जो करना है वो तो अंदर से करा जाएगा, बाकी तो जो दिख रहा है उस पर उन्होंने बोलना था तो वो सब बोल रहे थे। लेकिन ध्यान भटकाने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक तो था कि उत्तर प्रदेश में जो हालत है, उत्तराखंड वालों ने कहा कि जी उनका अनुसरण कर लो, और दूसरा जो यहाँ पे मुद्दे उठ रहे हैं उनसे भी ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम के नाम पर जो मंदिर बनाने की बात हो रही है बुराड़ी में, उसको लेकर वैसे ही बवाल मचा हुआ है, यहाँ पे और भी बहुत सारे बवाल हैं, और इतने बुरे हाल हुए हैं उपचुनाव में कि दोनों सीटें हार गए उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत गई, मंगलौर और बद्रीनाथ, और इसलिए ये सब चीज़ों को दबाने के लिए यहाँ पे किया गया उत्तराखंड में, और यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि लोकसभा में बहुत बुरी हार हुई और अलग अलग धड़े अलग अलग काम कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिगुल बजा ही दिया था विरोध का, जिसको किसी तरह से बीजेपी ने हैंडल किया, मगर उसको हैंडल जो भी किया, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के करीब है, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया ना, कैसी अजीब बात कही थी कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता, सरकार भी नहीं, तो संगठन तो बनाया ही जाता है मेहनत करके सरकार में आए और सबके लिए काम करे, तो सरकार से बड़ा कुछ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार वो होती है जो देश के लिए होती है, जो देश का सम्मान करता है वो सरकार का सम्मान करता है, और वो सरकार में आने के लिए ही कार्य करता है अगर आप किसी राजनीतिक दल में हैं। खैर, अब आ जाते हैं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और केंद्र सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, तो ये बता रहा है कि केंद्र योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं कि भैया हम आपके साथ नहीं हैं, आपने ये फैसला दिया है वो गलत है। और मैं आपको यहाँ पे याद करा दूं कि चुनावों के दौरान मोदी जी का बयान आपने सुना होगा, जहाँ वो कहते थे कि किसके घर से मेरे घर में खाना आता था ना, तो वो किसी मुसलमान का नाम बताते थे और उस तरह की बातें हो रही थी। तो इसका मतलब है कि मोदी जी अगर ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नहीं, उन्होंने बताया था कि उन्हें तो भगवान ने भेजा है और वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति जिस दिन करेंगे उनको तो पब्लिक लाइफ में नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, वैसे जो भी वो कह रहे थे। लेकिन आज ये बात तो साफ है कि अगर आप देखें कि ये पूरी तरह से ये मैटर क्या है, तो इसका एक और पहलू है, नीट से ध्यान हटाना, नीट पेपर लीक से ध्यान हटाना, क्योंकि जो परतें खुल रही हैं उससे तो साफ है कि बहुत बड़ा घोटाला वहाँ हुआ। आपने अगर आज संसद में सुना धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनके अहंकार की अति को देखा, जिन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो 70 से ज़्यादा पेपर लीक
सात सालों में ये आंकड़ा कोई हवा से तो आया नहीं, ये तो इंडिया टुडे में भी मैंने रिपोर्ट देखी है और कई जगह पे पढ़ा था कि 70 से ज़्यादा पेपर लीक 7 सालों में हुए पिछले, और उत्तराखंड में मैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है तब से तो पेपर लीक के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। व्यापम देख लीजिए आप मध्य प्रदेश में, और जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह देंगे जी कोई पेपर लीक नहीं होता। खैर, इन्होंने जो पेपर लीक की बात करी वो तो जो भारत सरकार के तहत आता है उसके बारे में बात करी, लेकिन आपको ये हजम होता है? अब नीट यूजी का पेपर लीक हो गया और अहंकार देखिए। और जब राहुल गांधी जी ने ये खड़े होकर कहा कि भाई ये सबको दोष दे रहे हैं अपने सिवा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी एकदम बवाली की तरह वहाँ पर बोलने लग गए, जो बहुत हैरानी की बात है। वो मंत्री हैं और मंत्री जी को सोच समझ के संयमित होकर बोलना चाहिए, जानते हैं। इसलिए नीट से तो ध्यान भटकाना ही था, लेकिन एक दूसरी चीज़ है जो अर्थव्यवस्था की हालत हो रखी है ना देश की, ये अपना ही डेटा निकाल के बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो भाई बहुत बड़ा है, ये विश्व गुरु है, और ये जो हमें दिख रहा है कि ये विनाश गुरु है वो नहीं दिख रहा है, कह रहे विश्व गुरु है, और विश्व गुरु जो है वो तो अर्थव्यवस्था उनके तहत बहुत अच्छी है। और अब एक और चीज़, सब लोग, मतलब मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ हर डिबेट पर सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी और मोहब्बत की दुकानों को आप खुलने से रोक नहीं सकते, और हिंदू मुस्लिम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ध्यान भटकाना है, क्योंकि बजट में क्या आने वाला है उसमें उसके लिए क्या तैयारी है उस पर किसी चैनल पर डिबेट नहीं हुआ। हैरानी की बात नहीं, भाई आपने इस तरह के फरमान लाने थे तो योगी आदित्यनाथ जी तो पिछले 7 सालों से बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बन के, ले आते ना। अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो कितनी सारी चीज़ें बदल सकते थे, वो कर देते ना, लेकिन वो सब नहीं करना है, ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ करना है। इसी में एक चीज़ और जुड़ गई और वो है RSS के कार्यक्रमों में जाने वाला जो बैन था उसको हटा देना, क्यों? ताकि सबको इसके बारे में बात करने लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ RSS जो नाराज़ सी दिख रही है, क्योंकि JP नड्डा जी तो कह गए कि भाई हमें अब RSS की ज़रूरत नहीं, अब RSS बता रही है कि भाई ज़रूरत है या नहीं तुम्हारी, क्योंकि RSS केवल राजनीतिक संगठन है, अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताती है, और इसलिए इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये RSS के बैन को हटाने की बात, इसको अब जिसे कहते हैं लीक कर देना, इसके ऊपर बवाल मचा देना, इसके ऊपर बहस कर देना, तो यानी कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम केवल ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीती है कभी भी तो वो पोलराइजेशन ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करके किया गया है, और अब उनको पता है कि ये काम नहीं कर रहा। इसीलिए अब जिस तरीके से माहौल है उससे साफ है कि ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और मुझे बड़ा दुख होता है देखकर कि इस पर बहस हो रही है और सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है और ये एक बहुत बड़ा चांटा पड़ा है उनके ऊपर जो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के RSS के, वो स्वयं मेरी कईयों से बात हुई है जो जिनको मैं जानती हूँ, और उन्होंने कहा कि ये फैसला नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, मतलब हम हार चुके हैं, लेकिन अब हार का मतलब ये नहीं है कि इस तरह के फैसले करें, अब चुनाव हो चुके, मगर कोशिश ध्यान भटकाने की थी, इसमें ये विफल हो गए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ध्यान भटकाया नीट UG से, अर्थव्यवस्था के बुरे हाल से, दूसरा डेटा निकाल के, बजट उस पे, और जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव में हार हुई है दोनों सीटों पर उत्तराखंड में, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है क्या? सोचिएगा और बताइएगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात सही लगी, तो वीडियो को लाइक करने में हिचकिएगा मत। दोबारा मुलाकात होगी, नमस्कार।